हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हाउ टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस है, लाइक एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है महावितरण का, और दूसरा पेटीएम से। आप दोनों जगह से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो पेटीएम का वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड किया है, तो अगर आपको पेटीएम से इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है तो आपको काम आएगा। अभी हम महावितरण का वेबसाइट से करते हैं। यहाँ पे ये होम पेज पे आपको ये न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, बट आपके पास ये दोनों भी नहीं है, फिर भी आप इसका पेमेंट कर सकते हो। ये व्यू एंड पे बिल पे आप क्लिक करो। यहाँ पे कंज्यूमर नंबर आपको डालना है, बिलिंग यूनिट आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपके एरिया का बिलिंग यूनिट है वो। फ्रेंड्स, ये मैंने मेरा कंज्यूमर नंबर टाइप किया है और ये बिलिंग यूनिट सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये आपको आपका डिटेल्स आएगा, जो आपका पेंडिंग बिल है। और उसके बाद यहाँ दो ऑप्शन है, मेक अ पेमेंट एंड व्यू हिस्ट्री। व्यू हिस्ट्री करोगे तो आप आपके प्रीवियस बिल्स आपको दिखते हैं। जैसे कब आपने पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया और बिलिंग यूनिट्स कितना था। यहाँ से आप आपका प्रीवियस बिल डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अगर आपको किसी को डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो गो बैक एंड सबमिट अगेन एंड क्लिक ऑन मेक अ पेमेंट। एक बार फिर से आपका डिटेल्स चेक करना, कंज्यूमर नंबर, बिल अमाउंट एंड यहाँ एक और चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है। या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी मास्टर वीज़ा कार्ड है या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उस पे अगर 500 से ज़्यादा अगर आपका बिल है तो कुछ मिनिमल चार्जेस रहेंगे। और अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हो तो आपको उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो फिर यहाँ आपको पे नाउ करना है। रीडायरेक्ट होगा और यहाँ आपको इतने सारे ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए। आप वॉलेट से भी कर सकते हो, लाइक पेटीएम वॉलेट्स एंड ऑल। सो ये क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है। सो आपको जो आपको सही लगे वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग सिलेक्ट करते हो तो आपका जो भी बैंक है वो सिलेक्ट करो। बैंक सिलेक्ट करके नीचे पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। ये आपके बैंक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होगा और ये बैंक वेबसाइट पे आने के बाद आपका बैंक का यूजर आईडी लॉगिन यूज करके आपको कंटिन्यू करना है और पेमेंट करना है। ये था इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने का वीडियो। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे काफ़ी वीडियोस बना रहा हूँ या मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले हैं, आपका काफ़ी समय बचाने वाला है, आपकी लंबी लंबी लाइनों से दूर रखने वाला है। आप घर बैठे ये सब कर सकते हो, किसी को पता नहीं होता है, किसी को पता होता है। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।